बेचारे बच्चों को छोड़ के जाना पड़ेगा। ए मुन्ना। हेलो एंड वेलकम बैक। सो टुडेज वीडियो इज गोना बी वेरी स्पेशल, क्योंकि 3 दिन के बाद मेरा बर्थडे है और पता नहीं क्या हो जाता है मेरे बर्थडे वीक में, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ। कुछ इतनी स्पेशल बात भी नहीं है, जस्ट अ बर्थडे आई नो, पर मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने बर्थडे में अपनी ड्रेस को पेंट करने वाली हूँ। सो दिस इज गोना बी सुपर एक्साइटिंग। और इस बार का मेरा बर्थडे इतना ज़्यादा सैड है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि इकलौता आदमी जो मेरे बर्थडे में रहता था मेरे साथ, भानु, वो मेरे साथ इस बार नहीं है। कैन यू इमेजिन, तो बड़ा ही बुरा टाइम है, पर मैं इसे बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाने वाली हूँ क्योंकि मैं अपने ही बर्थडे में अपने ही पति को सरप्राइज़ देने जाने वाली हूँ। तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी मेरे साथ ट्रैवल करें। उससे पहले मैं क्या करने वाली हूँ कि अपनी ड्रेस को थोड़ा रेडी करने वाली हूँ, जस्ट टू गिव दैट नाइस बर्थडे लुक। सो आई एम नॉट गोना बी अलोन, यू एंड मी आर गोना सेलिब्रेट दिस डे विथ मी। एंड कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं करते हम लोग बर्थडे में, तो ये मत सोचना कि कुछ बहुत ज़्यादा पार्टी वगैरह हो गया, ऐसी कुछ नहीं है। बस केक कट करते हैं, वही हमारे लिए बर्थडे होता है, और थोड़ा सा ग्रेटफुल रहते हैं कि यू नो एटलीस्ट हम जिंदा हैं ये बर्थडे मनाने के लिए, स्पेशली आफ्टर कोविड। सो आई एम गोना बी काउंटिंग माई ब्लेसिंग्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड वी आर गोना बी फर्स्ट पेंटिंग दिस जीन्स, जो कि नई जीन्स है क्योंकि बर्थडे है, तो मैंने सोचा कि नई जीन्स में पेंट करूँ। उसके साथ साथ मैंने सोचा कि मैं इस क्यूट से पर्स को भी, जो मैंने बहुत टाइम से सोचा हुआ था कि मैं इसमें कुछ पेंट करूँगी, और इसी रीज़न से मैंने सिंपल सा जो है पर्स है वो ख़रीदा था। तो आई एम गोना बी पेंटिंग ऑन दिस ऑल्सो, लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट टू बी, और मेरी बर्थडे ड्रेस फाइनली कैसी दिखती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ ये कार्डबोर्ड। हम इस तरीके से इसके बीच में इसको प्लेस कर देंगे, ये ज़रूरी है क्योंकि कलर नीचे वरना पास हो जाएगा। एंड देन आई एम गोना बी यूजिंग दीज पेपर क्लिप्स, ये हमारे जीन्स को बहुत अच्छे से फिक्स करेगा और हम आराम से पेंट कर पाएंगे। ऑल राइट, तो अभी कलर्स के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ये एक्रेलिक मार्कर्स, और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप इसे यूज़ ना करें, वरना आप बेसिक एक्रेलिक कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास फैब्रिक कलर नहीं था इसलिए मैं बेसिक एक्रेलिक कलर्स ही यूज़ करने वाली हूँ। और यहाँ पे एक रफ ड्राफ्ट भी बना लिया मैंने, बिकॉज पता नहीं क्या बन के आने वाला है। और ये है मेरी कलर पैलेट, कितनी एडिबल और कितना यमी लग रहा है। तो शुरू करने से पहले मैंने सोचा कि कुछ पेंसिल से ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि यू नो कुछ गलत ना हो जाए और मेरी जीन्स ख़राब ना हो जाए। तो इसलिए पहले आप भी ऐसा कर सकते हो अगर आप मेरे साथ बना रहे हो, कि आप पहले पेंसिल से बना सकते हो और उसके ऊपर जाके आराम से पेंट कर सकते हो। तो स्टार्ट कर रही हूँ मैं कुछ हार्ट्स के साथ, बिकॉज यू नो हाउ मच आई लव हार्ट्स। तो हार्ट्स होने वाले हैं, और जो भी आपको पसंद है, जो भी यू नो एलिमेंट्स आपको पसंद आते हैं, आप वो बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर वो चूज़ किए जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है या जो मैं यूजली बनाना पसंद करती हूँ। और एक छोटी सी टिप आप सबके लिए भी, अगर आप भी प्लान करने वाले हो अपनी जीन्स में पेंट करने के लिए, तो आप हमेशा अपने कलर्स में थोड़ा सा पानी ज़रूर मिलाना। उससे क्या होगा कि कलर बहुत ज़्यादा थिक नहीं लगाओगे आप, और आराम से आपके फैब्रिक में एब्जॉर्ब हो जाएगा और क्रैक नहीं आएंगे बाद में। तो ये बनाने में इतना ज़्यादा मज़ा मुझे आ रहा था कि फिर मेरे दिमाग में जो भी आइडियाज़ आ रहे थे, जो भी कुछ मेरे माइंड में था, वो मैं बनाती गई जस्ट टू फिल द स्पेस एंड दोज गैप्स। ये था मेरा फाइनल लुक एंड आई लव्ड हाउ इट टर्न्ड आउट टू बी। बहुत ही फन और बहुत ही कलरफुल लुक आया है इस जीन्स का, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू वेयर इट ऑन माई मेन डे। आई विल वेयर दिस एंड शो यू एट दी एंड। उससे पहले हम रेडी कर लेते हैं अपना ये क्यूट सा बैग। तो इसके लिए मैंने बहुत सोचा कि मैं इसमें क्या बनाऊँ, पर मुझे लगा कि क्यों ना एक बेबी बियर यहाँ पे बनाऊँ, बहुत ही क्यूट सा लगेगा यू नो, एक छोटा सा बियर। उसको बनाने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना एक पेंसिल से ड्रॉ कर लूँ, बिकॉज़ कोई आइडिया नहीं है वो कैसा बनने वाला है। तो ये भी एक टेक्निक थी, बिकॉज इसको मुझे बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना था, क्योंकि मेरे पास एक ही पर्स है ऐसा छोटा सा जिसमें कि मैं कुछ बना सकती हूँ, वरना बाकी मेरे पास कोई भी और चीज़ नहीं थी घर पर जिस पे मैं पेंट कर सकती थी। सो आई वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट ये कैसा बन के आने वाला है। ऑल राइट, तो इस पे बनाती हूँ मैं क्यूट सा एक ये बेबी बियर। आप भी अगर चाहो तो बना सकते हो। इस फैब्रिक के ऊपर पेंट करना बहुत बहुत आसान था। और ये क्या है, मेरे ब्रश में मेरी टी का हेयर लगा हुआ है, सो प्लीज़ फॉरगिव मी गाइज। पर हम पेट पेरेंट्स के लिए बहुत नॉर्मल बात है, हमारे हर जगह बाल होते हैं, हमारे घर में बाल ही बाल होते हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। मैं बाद में सबको अच्छे से क्लीन करके आपको एंड रिजल्ट दिखाने वाली हूँ। और यहाँ मैंने नोटिस किया कि जब मैंने आउटलाइन करी, तो आप देख सकते हो कि कुछ कलर जो है वो स्प्रेड हो रहा है बाहर, जो मार्कर का जो इंक है। तो अगर आप भी ऐसे किसी मटेरियल में पेंट करने वाले हो ना, तो आप किसी एक्रेलिक पेंट का ही यूज़ करके आउटलाइंस बना लेना, बिकॉज इतना छोटा सा एरिया है, सो इट्स कैन बी ईजिली डन बाई यूजिंग अ वेरी स्मॉल राउंड ब्रश। वरना आपका भी मेरी तरह इस तरीके से कॉर्नर में थोड़ा थोड़ा सा कलर स्प्रेड होगा, विच इज़ ओके। आई मीन मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बिकॉज लुक
आउटलाइन ठीक ही आ रही है, सो आई एम लाइक कूल विद इट. और मैंने इसको पकड़ा दिया है ये क्यूट सा कलर पैलेट, क्योंकि ये हमारा एक आर्टिस्ट बेबी बियर है, ये कहीं भी जाएगा तो वहाँ पे पेंटिंग करनी इसको बहुत पसंद है. सो दिस इज़ द रीज़न आई पेंटेड इट. और वैसे भी लोग जब हमारे पर्स को देखें तो उन्हें लगना चाहिए कि यार कोई आर्टिस्ट जा रहा है, यू नो, कोई हमें बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए उन्हें. इन दोनों को जब मैं पेयर करूँगी तो बहुत अच्छा लगेगा. लेट्स सी, वो हमें एंड में पता चलेगा. मैं आपको ये सब ट्राई करके दिखाने वाली हूँ एट दी एंड, सो स्टे ट्यून्ड. ये है इसका फाइनल लुक. और इसको प्रोटेक्शन देने के लिए मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ एक लेयर ऑफ वार्निश, तो ये बहुत ज़रूरी है ताकि ये कहीं भी ना जाए और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा बाय वाटर और एनी थिंग. Lovely friends, good morning. So this is my birthday day. I love you. So कल तक तो I was very very happy, you know, पर सुबह जैसे ही होती जा रही है मैं बहुत ज़्यादा emotional हो रही हूँ कि आज मुझे इन दोनों बेचारे बच्चों को छोड़ के जाना पड़ेगा. And yeah, so that is only the saddest thing about my birthday. और I was very excited कल तक, but अभी थोड़ा ना level down होता जा रहा है. It's only because I'm not able to be with them. और एक और fun fact जो मैंने आपके साथ share नहीं किया है वो ये है, भानु और मैं जो अलग हुए हैं उसका रीजन भी यमी और टी थे, क्योंकि उसे अचानक से जाना पड़ा 3 महीने के लिए, और वो भी मई जून जुलाई की गर्मी में. तो उस टाइम पे यू नो बहुत मुश्किल था कि हम इनको लेके एक नए शहर में जाएं, वहां सेटल हुएं, बहुत बहुत सारी परेशानी थी और इनको ले जाना बहुत मुश्किल था. सो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि मैं और भानु अलग हो जाएंगे 3 महीने के लिए और मैं इनका ख्याल रखूंगी पीछे एंड ही विल डू हिज वर्क. So this was also one reason why we are not together today. और इसलिए मैंने decide किया कि एक दिन तो ये अपने mom dad को दे ही सकते हैं, you know, कि हम एक दिन अपने special day में मिलें. So यही reason है कि मैं आज भानु से मिलने जा रही हूँ. And they are going to be taking good care because we have a very amazing caretaker at home जो कि इसको बचपन से इन लोगों को देख रही है. She knows everything about them and they get along with her very very well. तो ये बहुत अच्छे से उनसे रहते हैं. So don't worry about them at all. You know what a cry mommy I am. और मुझे इन्हें छोड़ के जाना मेरे लिए सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है. कल रात से मैं बहुत ही ज़्यादा वियर्ड और क्रैंकी फील कर रही हूँ. मुझे आई बिकम वेरी वियर्ड पर्सन, यू नो, व्हेन आई हैव टू लीव देम एंड आई गेट वेरी वेरी. सो कम अलोंग एंड लेट्स सेलिब्रेट माय बर्थडे. हेलो, सो मैं निकल चुकी हूँ भानु से मिलने और देखिए इस बैग का कितना अमेजिंग यूज हो रहा है यहाँ पे. इसके अंदर रखे हैं मैंने कुछ अपने आधार कार्ड जिसकी फ़ोटो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दिखा सकती, और कुछ पैसे. तो ये मेरी टिकट वगैरह रखने के लिए बहुत काम आ रहा है, और बहुत ही अच्छी चीज़ मैंने बनाई है अपने बर्थडे के लिए. सो दिस इज़ अमेजिंग. ओके, तो मैं क्विकली भागती हूँ और अपनी फ्लाइट पकड़ती हूँ और आपको मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन. तो ये है हमारा बर्थडे रूम, और मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये सब होगा या इतना ब्यूटीफुली ये डेकोरेटेड होगा. मुझे वैसे ना ऐसे सब चीज़ों की आदत नहीं है बिल्कुल भी. तो ये जो केक था ये हमें होटल वालों ने दिया था, और ये सब चीज़ें भानु ने कराई. पता नहीं उसने इतना क्रिएटिव काम कैसे करवा लिया, और उसने ये बुके भी मुझे भिजवाया था, विच इज़ यू नो ऐसी टाइप की चीज़ें बेचारा कर नहीं पाता, उसके इतने इतना एक्सप्रेसिव नहीं है वो. फर्स्ट टाइम होगा जब मैं इतना ब्यूटीफुल केक कट करने वाली हूँ, तो भानु मिले लेके आया, विच इज़ सो क्यूट एंड आई लव्ड इट. ऑलराइट, तो मैंने आपको अपना पूरा आउटफिट तो दिखाया ही नहीं, तो इस तरीके से मेरी जीन्स लग रही है एंड आई वॉज रियली हैप्पी. और इसको क्लब किया है मैंने अपनी इस पुरानी डेनिम के साथ जिसको कि मैंने पेंट किया था लास्ट ईयर. वो वीडियो भी मुझे बहुत मज़ा आया था उसको बनाने में. और ये है हमारा पूरा लुक, और मैं जल्दी से जाती हूँ और अपना केक कट करती हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो भानु फाइनली आ गया, आई एम सो हैप्पी टू सी हिम. और ही गॉट मी दिस ब्यूटीफुल डिजाइनर ड्रेस, इसको मैं कब से लेना चाह रही थी और ये फाइनली भानु ने मुझे लाके दी. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. और मैं इसे पहनने वाली हूँ केक कटिंग के टाइम पे, बिकॉज दिस इज सो स्पेशल टू मी. और आई विल बी ऑल्सो पोस्टिंग द फोटोज ऑन माई इंस्टाग्राम एंड यू कैन ऑलवेज फॉलो मी देयर. अगर आपने फॉलो नहीं किया तो कर लो यार, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो करो प्लीज. रियली 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 मोटिवेट्स मी, और मेरे लिए बहुत अमेजिंग बर्थडे सरप्राइज होगा वो. ओके, सो लेट मी जस्ट क्विकली गेट रेडी एंड शो यू हाउ आई लुक इन दिस. ये Happy birthday to you. Happy birthday to you.
अपने घर की तरफ। फाइनली मैं एयरपोर्ट में हूँ और बहुत मुश्किल हो रहा है अभी मुझे जाना है यहाँ से। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लीव हिम एंड गो, बट एनीवेज घर पे बच्चे वेट कर रहे हैं तो उस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है उनसे मिलने की। अभी मैं जल्दी से क्विकली अपनी फ्लाइट पकड़ती हूँ और मिलती हूँ आप सबसे सीधे घर पर। बाय। फाइनली आई एम बैक होम और इतना अच्छा लगा वापस आके अपने बच्चा पार्टी से मिलकर। इट वॉज सो मच फन और अब जाके आराम आ रहा है यार। चाहे आप कहीं से भी आ जाओ पर सबसे ज्यादा खुशी आपको अपने घर पहुंच के ही मिलती है। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी बैक विद देम। ऑल्सो अ ह्यूज ह्यूज थैंक यू टू ऑल ऑफ यू कि आप सबने मुझे इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स भेजी, इतनी प्यारी प्यारी विशेस भेजी। मेरा बर्थडे बेस्ट बनाने का काम आपने हमेशा से सॉरी सीधी बच गई। इतने साल हो गए मुझे यूट्यूब वीडियोस बनाते हुए। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेरे साथ साथ भी उम्र में बढ़ रहे हैं। यू नो मे बी आप 3 साल पहले से मुझे फॉलो कर रहे हो, 4 साल पहले से। इट इज बीन सच अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल जर्नी क्योंकि आपने हमेशा मुझे अपनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स भेजी हैं। सो हमारे यहाँ भी दाल चावल बन रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। उसी के साथ साथ मैं आप सबके लिए बहुत सारा प्यार भेज रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट एंड आई लव यू सो मच। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स एंड विशेस एंड आई लव यू सो मच। बाय। ठीक हो जाना है तू? ये क्या चोली किया तूने सोना बेबी? बाय अम्मा। बाय डी, लव यू।